सुदीप बर्मन जी हैं, बहुत ही कद्दावर नेता हैं, वर्तमान विधायक हैं, एक्स एमएलए आशीष शाह जी हैं, हमारी सेक्रेटरी जरिता जी हैं, और विनीत जी को तो सब लोग जानते ही हैं पहले से। देखिए, जब हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए तैयारी कर रहे थे, तैयारी करते समय जिरनिया एक जगह है अगरतला के पास, अगरतला में ही है, वहाँ पर एक व्यक्ति जो सरकार का पदाधिकारी नहीं है, बीजेपी का कार्यकर्ता, बुलडोजर लेकर के, अब जो है बुलडोजर, बीजेपी के कार्यकर्ता बुलडोजर लेकर के अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी के दीवार और गेट तोड़ रहे हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी जब हम कल कर रहे थे, तो ये केशव सरकार जी हैं, हमारे एक बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता, उनके घर को एक निजी व्यक्ति ने, प्राइवेट सिटीजन, बुलडोजर लेके गेट तोड़ते हुए घर को जो है घर में तोड़फोड़ किया। साइंस में एक छोटी सी एक्सपेरिमेंट है जो आप लोग को हल्का 5 सेकंड में बताना चाहूंगा। अगर आप मेंढक को पानी में डालते हो और टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ाते हो, जब टेम्परेचर बढ़ जाती है, मेंढक को पता नहीं लगता कि इतना टेम्परेचर बढ़ गया कि वो मर जाता है पानी के अंदर, और अगर आप फ्रॉग को तुरंत जो है गर्म पानी में डालते हो तो वो बाहर कूद जाता है। इस देश में आज के दिन बीजेपी लगातार जिस तरह से विधि व्यवस्था, कानून पर हमला कर रही है, त्रिपुरा के परिपेक्ष में आपको एक विस्तार से जो है बताना चाहूंगा, पर उससे पहले ये स्थिति कैसे उत्पन्न हुई मैं आपको बताऊंगा। आप देख लीजिएगा कि उत्तर प्रदेश में हो, जहां पर बुलडोजर राज चल रहा है बिना कानून का, बिना कोर्ट का आदेश का, उदयपुर में बीजेपी के कार्यकर्ता शंभूलाल रेंगर, जिसने जो है एक आदमी को बुरी तरह से मारा पीटा, उसका वीडियो लिया, फिर भारत का झंडा उठा करके जो है भगवा झंडा डाल दिया कोर्ट के ऊपर। तीसरा है ज्ञानदेव आहूजा जी, तो वीडियो में बोल रहे कि हमने 5 आदमी को, एक एमएलए और बीजेपी ने बोल दिया कि हमने 5 व्यक्ति को तो मार दिया। अब बीजेपी के एक्स एमएलए बोलते कि वीडियो पर, अगर आप याद करोगे बर्नार्ड बराक का त्रिपुरा में, उसमें पर हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था देव व्यापार के बारे में, उन्हीं के बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट देव व्यापार कर रहे हैं। बिल्किस बानो के बारे में बहुत सारी चर्चा हुई, बट गैंगरेप और हत्या करने वालों को माला देकर के जो है सरकार में बैठे हुए बीजेपी के विधायक उस कमेटी में, और उनको माला पहना रहे हैं और मिठाई खिला रहे हैं। गुना जिला में मध्य प्रदेश में एक आदिवासी महिला को जो है जो सुरक्षा मांग रही थी उसको जलाकर मार दिया। कठुआ में जो है एक बकरवाल कम्युनिटी के बच्ची को जो है उसके सामूहिक बलात्कार होता है, हत्या होता है, बीजेपी उस हत्यारे के पक्ष में जो है जुलूस निकालते हैं। हम ये पूरा भूमिका इसलिए बना रहे हैं कि त्रिपुरा का जो घटना है, जो त्रिपुरा में हो रहा है, जो आशीष सुदीप जी विस्तार में आपको बताएंगे, इस भारतीय जनता पर एक एक्सेप्शन नहीं है, ये बीजेपी का लगातार गुंडागर्दी, जो गुंडों की राज चल रही है। और आप जानते हैं कि देखिए, सबसे अच्छा राज तो रामराज है, फिर सुशासन, शासन, दुशासन, जंगल राज, अब हम स्थिति पहुंच गए बीजेपी का कि सुपर जंगल राज, और कुछ नाम है तो आप बता दीजिएगा। ये वर्तमान देश में जो चल रहा है, त्रिपुरा में सुपर सुपर जंगल राज चल रहा है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरे बगल में आशीष सुदीप जी हैं, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उनको बोलिएगा कि थोड़ा सा जो अपना जो होट ऊपर कर ले। तीनों दांत को उन्होंने तोड़ दिया, जबरा तोड़ दिया, दांत तोड़ दिया, सर पर जो है ये मंत्री के सामने हुआ है, मंत्री के सामने चुनाव के दरमियान। तो मैं अनुरोध करूंगा, क्योंकि अभी हम इनके जीभ उठाएंगे तो उनको अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैं उन्हीं से बोल दूंगा बाद में दिखाने के लिए। लेकिन फ्रैक्चर हॉस्पिटल, और ये एक छोटी, सुदीप के साथ तो 7 बार हमला हो चुका है, लेकिन घटना के बारे में जो आपको जो विस्तार में मैं जल्दी से आपको बताना चाहूंगा, त्रिपुरा में जितने भी घटना हुए हैं उसके जो है
एनेक्सर में आपको प्रेस रिलीज के माध्यम से आपको दी जाएगी और सुदीप भी बताएंगे। लेकिन एक चीज मैं बताऊंगा, हम सब लोग जो है महाभारत हो रामायण हो प्रेरणा स्रोत रहते कि सब लोग हर माँ बाप चाहता कि अपने बच्चे भगवान राम जैसे बने अर्जुन जैसे बने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में मुझे लगता है कि उनका प्रेरणा स्रोत जो है दुर्योधन जैसे बनने की इच्छा है इनमें। आप देख लीजिएगा कि जिस तरह से ये लोग लगातार विपक्ष के ऊपर हमला कर रहे हैं, और मैं आपको उदाहरण देने के लिए कांग्रेस पार्टी के सुदीप बर्मन जी और जरिता जी और आशीषा एक मीटिंग कर रहे थे चुनाव से पहले, और उसका डेट मैं बताना चाहूंगा। हाँ 26 फरवरी, एक सेकेंड, 26 फरवरी को सुदीप बर्मन जी और आशीष शाह जी और जरिता जी और सीनियर लीडर एक मीटिंग कर रहे थे। अचानक 50-60 लोग आकर हमला करते हैं, सर तोड़ देते हैं, केस कांग्रेस के ऊपर होती है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जेल भेजते हैं। 11 अगस्त को 2022 में सुदीप अभी इसी जगह पर जहां पर बुलडोजर जिरनिया में जहां पर बुलडोजर चला उस दिन हम थे, हम एयरपोर्ट जा रहे थे, उसी दिन सुदीप के ऊपर जो है एक बोतल तोड़ दिया सर के पीछे, पूरे ग्लास जो है सर के अंदर गड़ गया। अभी बिरजीत सिन्हा जी के ऊपर जो है उनका और राकू दास हमारे यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट के जो है गाड़ी को तोड़फोड़ कर दिया, उसी दिन तोड़फोड़ करके बर्बाद कर दिया। 8 अगस्त को हमारा कैलाशोर डिस्ट्रिक्ट ऑफिस को इन्होंने जो है जलाने का प्रयास किया। 12 जुलाई को आशीष जी और जरिता जी जाते कार्यक्रम में विशालगढ़ में, ऊपर जाते मीटिंग में, जब तक नीचे आते दोनों गाड़ी को जो है हमारा गाड़ी को तोड़फोड़ करके एकदम बर्बाद कर देते हैं। अभी तक 50 कार्यालय इन्होंने जला दिया कांग्रेस पार्टी का, मैं कम्युनिस्ट पार्टी के जोड़ने रहा हूं इसमें, विपक्ष का अगर आप जोड़ोगे तो 150 से ऊपर है। FIR हमारी होती नहीं, उनकी होती है। 26 जून 2022 को जब काउंटिंग होता है तो ये कांग्रेस ऑफिस के ऊपर हमला करते हैं। ना देख लीजिए कि त्रिपुरा का जो पुलिस स्टेशन में हमारा कांग्रेस कार्यालय के ठीक सामने है, पुलिस स्टेशन और कांग्रेस ऑफिस एक दूसरे के 10 मीटर के दूरी पर है, वहां पर जो है पत्थर ईंटा बीजेपी के जो है बाइक वाहिनी द्वारा जो हमला होती है, कोई कार्रवाई नहीं, कोई कार्रवाई उसके ऊपर, हमको गिरफ्तार कर लेते हैं। FIR करते करते हम परेशान होते हैं, बहुत मुश्किल से FIR होती है। हमने सुदीप जी के बारे में पहले को चोट के बारे में तो हमने पहले से आपको बता दिया। फर्स्ट में 2022 में एक हमारे सीनियर एडवोकेट इनके साथ था और सुदीप के ड्राइवर को भी के भी ऊपर हमला होती है। त्रिपुरा भवन के जो रिपेयर में हमने अभी कई लाख अभी तक खर्च किए, अब हमारे त्रिपुरा कांग्रेस भवन में हमने जो है स्टील का ग्रिल लगा दिया दरवाजे पर, हर एक खिड़की पर, क्योंकि ये लोग लगातार हर 15 दिन में बोतल और ईंटा फेंकते हैं हमारे कार्यालय पर और थाने के सामने। जिन जिन लोगों को जो जो पीटा गया है उसके जो है सूची अगर हम पढ़ेंगे, पनीर हुसैन साहब का घर को जो तोड़ दिया, अमित देवनाथ जी का घर को जो जला दिया, प्रशांत नंदी जो हमारे यूथ कांग्रेस के लीडर उनका घर को तोड़ दिया, टीटन पाल हमारे जो जिला परिषद है उनका जो है कार को जो है पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। ये लगातार इस सूची आपके पास है, मैं आपको दे दूंगा, क्योंकि पढ़ते पढ़ते जो इतने ज्यादा, हमारी मीटिंग इलेक्शन कमीशन के साथ भी हुई, हमारी मीटिंग जो है वहां के मुख्यमंत्री और गवर्नर से भी हो चुकी है, कांग्रेस के एक हाई लेवल डेलीगेशन अधीर रंजन चौधरी के नेतृत्व में एक डेलीगेशन भी वहां गई। इसके बावजूद कोई सुरक्षित नहीं है, कोई कार्यकर्ता सेफ नहीं है, क्योंकि बीजेपी को मालूम है कि गुंडों के बल पर यह चुनाव जीतना चाहते हैं। तो मैं आपको सिर्फ एक ही हमारा मकसद था, डिटेल्स में अभी सुदीप जी बताएंगे, हम आपको यही बताना चाहेंगे कि त्रिपुरा एक आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है, ये सुपर जंगल राज देश भर में चल रहा है। कर्नाटक का देख लीजिए, जहां पर जिस देश में अगर एक प्राइवेट सिटीजन बुलडोजर लेकर के आपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी का घर को ध्वस्त कर देता है तो उस देश में क्या क्या न्याय बचेगी,
क्या लोकतंत्र बचेगा, क्या चुनाव हम लड़ सकते हैं? ये प्राइवेट सिटीजन्स घर जो, और उस पर कोई कार्रवाई नहीं। आखिरी में हमेशा उम्मीद तो रहती कि सब कुछ ठीक हो जाए। तो साहिल लुधियानवी का एक मशहूर पंक्ति है, मैं पढ़ना चाहता हूं। वो सुबह कभी तो आएगी। हम यही उम्मीद करते हैं कि किसी ना किसी दिन इस देश में जब भाजपा हटेगी तो कानून का राज फिर से कायम होगा इस देश में। अब मैं अनुरोध करूंगा हमारे वरिष्ठ नेता सुदीप जी, सुदीप बर्मन जी आपको संबोधन करेंगे। वेरी गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। A reign of terror has been let loose in the state of Tripura, where murder, looting, arsoning, outraging the modesty of women, rape, etc., has now become a day-to-day incident. अगर मैं थोड़ा सा official जो पुलिस का data जो है आपको पढ़ के सुनाऊं तो उसी से आपको पता चल जाएगा कि वहां का स्थिति क्या है। जब से भाजपा 9 मार्च को शपथ ली थी, तब से जुलाई 2022 तक इन 52 महीना का आंकड़ा मैं आपको दे रहा हूं, इन 52 महीनों में 604 खून हुआ है, मर्डर हुआ है। गढ़ 11.57 हर महीने, राइटिंग जिसका जिगर डॉक्टर साहब ने किया था थोड़ी देर पहले, कल रात को जो घटना का विवरण दिया था, वैसे राइटिंग 678 है, जो कि हर महीना 13.03 हर महीना। किडनैपिंग 644, जो कि जिसका आंकड़ा है गढ़ 12.38 12.38। चोरी का 1,778, जो कि हर महीने 34.19। और जब यह सब घटना घटती है दिल्ली से, दिल्ली राजधानी से बहुत दूर हम लोग रहते हैं, हाँ छोटा मोटा घटना शायद आपके पास पहुंचता होगा, इतना महत्व नहीं रखता है। लेकिन स्वाधीनता 75 साल हम लोग मनाए धूमधाम से, त्रिपुरा में हमें लगने लगा है क्या सही मायने में हमें स्वाधीनता प्राप्त हुई है क्या? क्योंकि एक राजनीतिक कार्यकर्ता के हिसाब से हम लोग कोई भी कार्यक्रम नहीं कर पाते। जब भी हम कोई कार्यक्रम करने का इरादा लेके कुछ करने जाते हैं तो हमें हमारे ऊपर अटैक हो जाते हैं, और 7 दफे मेरे ऊपर आक्रमण हुआ है, जरिता जी के ऊपर आक्रमण, हमारा पीसीसी अध्यक्ष जी के ऊपर आक्रमण हुआ है, आशीष जी के ऊपर आक्रमण, आम कार्यकर्ता के ऊपर आक्रमण है, उनका घर जला दिया जाता है, ऑफिस तोड़फोड़ किया जाता है, जबरदस्ती ऑफिस दखल किया जाता है, ऑटो चालक को चलाने नहीं देता है, गाड़ी जला देता है। ये सब घटना हर पल हो रहा है त्रिपुरा में। इतना अत्याचार शायद ब्रिटिश ने किया होगा, जो अत्याचार हम लोग सहन कर रहे हैं वहां पर त्रिपुरा में, हमें भाषा से विवरण का इसका विवरण नहीं दे सकता, जिस प्रकार से अत्याचार पॉलिटिकल वायलेंस वहां पे हो रहा है। जब हाँ हमें आजादी नहीं है त्रिपुरा में कुछ करने का, लेकिन चोरों का आजादी है। चोरों का आजादी मतलब, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि 15 तारीख रात को पुलिस हेडक्वार्टर में चोर ने घुस के 164 फाइल्स
चोरी कर ली, तो जो फाइल एक फाइल इंडेक्स होता है, हमें सूत्र से पता चलता है जितना भी करप्शन वाला फाइल्स है वो सब फाइल पीएचक्यू से गायब हो जाता है। फिर 19 तारीख रात को हायर एजुकेशन दफ्तर से 450 फाइल चोरी हो जाता है हाई सिक्योरिटी जोन में। मतलब भाजपा वालों को लगने लगा है कि 5-6 महीने के बाद जो चुनाव है उसमें हमें वापस आने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, इसलिए जितना भी घोपला हम लोग किया है वो फाइल अभी के अभी से हटा लो। आप जो मीडिया वाले हैं, हमें पता है कि आप लोग के ऊपर भी भारी अत्याचार होता है देश भर, लेकिन त्रिपुरा छोटा सा एक राज्य है। आपको आश्चर्य होगा ये सुनते हुए कि जब से ये भाजपा सरकार आए हुए है, ये 52 महीने में 43 मीडिया पर्सन वेर ब्रूटली इंजर्ड, बीटन अप, मैनहैंडल, और अखबार और मीडिया चैनल में घुसकर आग लगा देता है, तोड़फोड़ करते हैं वहाँ पे ये राज्य होता है। 5 लोकल चैनल्स है त्रिपुरा में, 5 लोकल चैनल्स को क्योंकि सही खबर पेश करते हैं, दे कॉल स्पेड ए स्पेड, उस चैनल को काट दिया, अभी तक चलाया नहीं, जला देता है, काट देता है, लाइन देते नहीं लोकल चैनल वाले को। तो ये सब अत्याचार का कहानी वहाँ पे चल रहा है। सो लाइफ इज मिजरेबल इन द स्टेट ऑफ त्रिपुरा, पीपल आर हेल्पलेस, पीपल कैनॉट टॉक फ्रीली, दे कैनॉट मूव फ्रीली, लूटपाट का राज्य चल रहा है, और इस लूटपाट के अर्थ से दे आर कोई जॉब तो नहीं होता है, कोई कर्म संस्थान का तो बात ही नहीं होता है वहाँ पे। हाँ, उस लूटपाट का पैसा से गुंडा पाल रही और एक गुंडा राज चल रहा है वहाँ पे, जंगल राज हो, गुंडा राज हो, जो भी है। अभी नया इनका ये वायरस है बुलडोजर वाला, जो कि उत्तर प्रदेश और दिल्ली में बाहर बहुत सारे जगह पे जो बुलडोजर का थ्योरी चल रहा है, वो वायरस हमारे ऊपर भी, हमारे वहाँ तक पहुँच गए। कल रात को राजीव गांधी के जन्म तिथि पे केशव सरकार ने खून दिया सवेरे, शाम को एक फ्लेमिंग टॉर्च प्रोसेशन में हिस्सा लिया। क्यों हिस्सा लिया? रात को एट द आवर्स ऑफ मिडनाइट 11:30 के आसपास ए ग्रुप ऑफ अनरूली गून्स ओइंग एलिजेंस टू द बीजेपी दे एंटर द हाउस ऑफ केशव सरकार, दे ब्रोक ओपन द हाउस विद बुलडोजर, दे डिस्ट्रॉय ऑल द एसेंशियल थिंग्स दैट वर अवेलेबल इन हिज रूम्स एंड स्टोल अवे गोल्ड एंड कैश। नया शादी हुआ, एक साल हुआ है, जितना भी गोल्ड वगैरह उनको दिया गया सब चोरी कर लेता है। तो दिस इज द एटीट्यूड विच इज बीइंग रिफ्लेक्टेड। यू कैनॉट हैव ऑल डेमोक्रेटिक सिस्टम इन द स्टेट ऑफ त्रिपुरा, ए मेहम चल रहा है। तो दिस इज इन ब्रीफ, आई हैव ब्रीफ्ड यू व्हाट इज गोइंग ऑन इन द स्टेट ऑफ त्रिपुरा, एंड टुडे आई एम टॉकिंग बिफोर यू। I don't know whether in the coming days I'll be alive or not. This is the situation. Our Congress leaders, where Zarita ji is under severe threat perception, Ashish, hamara PC adhyaksh, Gopal Rai ji, sab hamara pura ka pura threat perception mein hum log kaam kar rahe hain. To hum log yahan aane ka, aap log ko bulane ka ek maksad hai ki Tripura pe thoda sa aapka dhyan हमेशा रखे। त्रिपुरा का जो संवाद, थोड़ा सा इसको अब अगर फ्लैश करते हो तो बहुत बहुत मेहरबानी होगी, सो दैट वी कैन बिल्ड अप द मीडिया। वी स्टिल बिलीव द मीडिया इज द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, और पेन इज माइटियर देन द सोर्ड। आपके पास जो एबिलिटी है, जो क्षमता है, वो जो जितना भी डंडा और आर्म्स लेके घूमते रहते हैं, लेकिन विजय सत्य का ही होगा, आपका ही होगा। तो वी आर, कांग्रेस इज मूविंग इन द राइट पाथ, कांग्रेस इज ऑलवेज स्पीकिंग इन फेवर ऑफ द कॉमन पीपल, रेजिंग द इश्यूज ऑफ द कॉमन पीपल, एजिटेटिंग इन द स्ट्रीट्स, वी आर इन द स्ट्रीट्स, नो मैटर व्हाटएवर द कॉन्सिक्वेंसेस वुड बी,
वी आर गोइंग टू अप्रूट द बीजेपी फ्रॉम त्रिपुरा इन द कमिंग इलेक्शन, यू नोट इट टूडे. देर इज नो आयोट ऑफ डाउट, देर इज नो आयोट ऑफ डाउट इन एनी बडीज माइंड. यहां पे फिलहाल इतना जबरदस्त चुनाव में हेरा फेरी करने के बाद ए बाई इलेक्शन में आई केम आउट विक्टोरियस. आशीष साहब चीफ मिनिस्टर के खिलाफ लड़े, जो अभी का चीफ मिनिस्टर मानिक साहब के खिलाफ लड़े, उसका उनका नाम पड़ गया छप्पा वोट, छप्पा चीफ मिनिस्टर. त्रिपुरा में सब लोग कहते हैं कि छप्पा चीफ मिनिस्टर की छप्पा वोट उसके द्वारा विजय प्राप्त की. लेकिन द रियल हीरो ऑफ विक्टोरियस इज विद आशीष शाह. तो दिस इज द सिनेरियो दैट एग्जिस्ट इन त्रिपुरा. वी वुड अर्ज अपॉन यू टू जस्ट हैव ए लुक इन द इंटरेस्ट अफेयर्स ऑफ त्रिपुरा. थैंक यू. एनी अब वी विल टेक कोई एनी क्वेश्चंस. या आई एम वेरी सॉरी, आई फॉरगॉट टू मेंशन, एक चीज मैं भूल गया. ये जितना भी घटना घटी है ना, सब पुलिस के सामने होता है. आई टेल यू द पुलिस रजिस्टर द कॉग्निजेबल ऑफेंस अंडर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस. नॉन कॉग्निजेबल उनका कॉग्निजेबल, जैसे हमारे ऊपर आक्रमण होता है, ठीक है, वो नॉन कॉग्निजेबल. हम अगर केस डालते हैं तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के धारा लगाते हैं. और ये झूठ मूठ का जब केस हमारे ऊपर डालते हैं, हम जब जब हमारा वर्कर्स लोग जेल को भेजा गया, ऑल कॉग्निजिबल ऑफेंस धारा 307, धारा 326 और इनके लिए 323, 325. तो यही डिफरेंस है. तो ऑब्वियसली द कोर्ट विल ऑलवेज गो विद द सेक्शंस एंड द फॉरवर्डिंग रिपोर्ट ऑफ द पुलिस. एंड वी आर सेंटेंस, वी आर सेंट टू द जेल. देयर केस होता है तो ये बेल पे आउट हो जाता है. So what's happening is like सभी हमले जो हैं वो पुलिस के सामने हो रहे हैं. और लास्ट जो हुआ है पुलिस कस्टडी में हुआ है. हमारा जब शॉट सिर्फ फोड़ा गया, पुलिस कस्टडी में अरेस्ट किया हम लोगों को उसके बाद. तो एक सेकेंड इसको कंप्लीट. हमेशा पुलिस के साथ. और दूसरी बात क्या है कि जब हम परमिशन मांगते हैं रैली के लिए, सी डेमोक्रेसी खतरे में क्यों है? अब जब हम मीटिंग के लिए परमिशन मांगते हैं तो देते नहीं हैं. हम मीटिंग नहीं कर सकते हैं भाई साहब, हम जुलूस नहीं निकाल सकते हैं. और बीजेपी वाला जुलूस निकाल रहा है. आप बताइएगा कि कभी इस भारत में इस तरह के, जो हम भी सरकार में रहे हैं, अगर ये स्थिति होगी कि आप विपक्ष जो है जुलूस भी नहीं निकाल सकता है, धरना भी नहीं बैठ धरना कर नहीं सकता है, हम धरना पर नहीं बैठ सकते हैं, ये स्थिति है. जी सर, आपका क्वेश्चन था. Number of murders. We'll give you the data. Number of murders. 604. Some are unaccounted for. और आपको जानते हुए ये भी आपको जानना चाहिए, त्रिपुरा एक चीज में देश को लीड करता है, वो है आत्महत्या. त्रिपुरा इज द नंबर वन स्टेट इन द कंट्री. यू जस्ट गो टू द एनसीबीआर रिकॉर्ड्स. त्रिपुरा लीड्स द कंट्री सो फॉर एज अननेचुरल डेथ, आत्महत्या का कहानी. जो इन बहुत सारे मर्डर केस ये आत्महत्या का कहानी बना के छोड़ देता है. तो दीज आर द ऑफिशियल रिकॉर्ड दैट आई स्टेटेड. 604 मर्डर केस 52 महीने में 11.57 पर हर महीना इनका पुलिस का रिकॉर्ड के अनुसार. ये इससे ज्यादा है, लेकिन फिलहाल मैंने यही आंकड़ा दिया है जो पुलिस का हिसाब के अनुसार. हाँ सॉरी सॉरी, आपका क्वेश्चन है. तो पहले तो मैं डिमांड पर चल रहा था, उसके बाद सुदीप बता देंगे.
पहला डिमांड है कि राष्ट्रपति शासन होनी चाहिए त्रिपुरा में, क्योंकि किसी तरह से जो है अब इस सरकार के, भारतीय जनता पार्टी के सरकार के माध्यम से हम सब को लगता है कि चुनाव नहीं हो सकता है। और चुनाव तो छोड़ दीजिए, जान खतरे में, पहला डिमांड वो है। दूसरा है कि इतने जो पिछले भाजपा के इतने 4.5 साल के शासनकाल में एक सिटिंग हाईकोर्ट जज के अधीनस्थ एक इंक्वायरी कमीशन बिठाने की आवश्यकता है। जितने भी हमारे राजनीतिक, भाजपा के राजनीतिक प्रतिद्वंदी के ऊपर जो हमले हुए, और हम सिर्फ, हमारे ऊपर सिर्फ हमला नहीं हुआ है, कम्युनिस्ट पार्टी के बहुत सारे कार्यालय को जला दिया गया, अभी जो है त्रिपुरा माता का कार्यालय को जला के गए हुए, काफ़ी घटना घटी है जिसमें जो इन्होंने त्रिपुरा माता जो प्रद्युत बर्मन जी की पार्टी है उनको, उनके कार्यालय को इन्होंने जलाया है, उनके कार्यकर्ता को मारा है, कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता को बहुत मारा है। तो एक तो हमने कहा कि हाईकोर्ट में इंक्वायरी कमीशन बैठा जाए। तीसरा कि प्रधानमंत्री जी जो लोकसभा में जवाब दें कि त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी के सरकार क्यों अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी के ऊपर इस तरह के हमले लगातार कर रहे हैं, कानूनी तरीके से फर्जी केस करके, गुंडों के माध्यम से जो जानलेवा हमला करके, और प्रेस 43 प्रेस के बाद और आपके साथीगण के ऊपर डायरेक्ट हमला हुआ है, और ऐसा ऐसा मारपीट नहीं, बुरी तरह से मारा है, उनके कार्यालय जलाए गए। तो इसलिए प्रेस के ऊपर हमला, राजनीतिक कार्यकर्ता के हमला त्रिपुरा में क्यों हो रहा है, और अगर प्रधानमंत्री इसके जवाब नहीं देंगे तो हम ये सोचेंगे कि उनकी पूरी तरह से इस काम में जो उनका आशीर्वाद है। अब सुदीप को बता दूंगा कि वो अपने हमला के बारे में बताएं। लिसन वन थिंग, आप देखिए कांग्रेस अभी जबरदस्त चुनौती दे रहे भाजपा को, और हमारा दोष ये है कि हम कांग्रेस का एक आम कार्यकर्ता है, और इससे कई गुना दोष हमने हमारे मेरे चुनाव क्षेत्र का जनगण ने किया है कि हमें विजय प्राप्त दिलाया इन्होंने, तो ये हजम नहीं हो रहा है। देर वेर 7 लाइफ टेकिंग अटेम्प्ट ऑन मी, आई हैव रिटन थ्राइस टू द डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कि ये स्थिति है। बिहार और यूपी से आई हैव लर्न, ये इंटेलिजेंस प्रशासन में भी बहुत अच्छे लोग हैं जो हमें सूचना देते रहते हैं। प्रोफेशनल शूटर्स एंड किलर्स हैव बीन फेच्ड समन्ड इन द स्टेट ऑफ त्रिपुरा टू एलिमिनेट मी एंड अदर लीडर्स। दैट ऑल्सो आई हैव गिवन ए रिटन थिंग टू द डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, बट नो रेस्पॉन्स। सिर्फ दो हमारा मेरे पास दो PSO था, प्लेन क्लॉथ सिक्योरिटी ऑफिसर, दो और बढ़ाया, मतलब एक एक होता था 12 आवर्स ले के, अभी दो दो करके रहता है। हमने दो दफे डायरेक्टर जनरल पुलिस के साथ रिप्रेजेंटेशन थे, मिल ये लोग हमारे ACC के सेक्रेटरी साहब लोग, हमारा अजय कुमार जी, ये लोग मिले भी, लेकिन अभी तक कोई सुरक्षा बढ़ाने का कोई सोच भी नहीं ये लोग। यू विल बी एस्टोनिश्ड, विधायक गण सिर्फ कांग्रेस वालों के नहीं, इवन ऑल अदर ऑपोजिशन लीडर्स, प्रद्युत किशोर माणिक्य बहादुर द सुप्रीम ऑफ त्रिपुरा था, ही वॉज अंडर सिवियर अटैक इन मोहनपुर SDM ऑफिस में, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर माणिक सरकार वॉज अटैक्ड, सुदन दास वॉज ट्वाइस अटैक्ड CPM का MLA, भानुलाल शाह वॉज अटैक्ड, रतन भौमिक वॉज अटैक्ड। जो भी पार्टी अभी की पॉलिटिक्स से पार्ट, ये हमारा हक बनता है आम जनता के लिए, हम लोग जुलूस निकाले, कोई कहा कहीं पे भी हमें कोई इंसाफ दिलाने के लिए हमें कोई एक्टिविटीज करना
चाहिए तो हम लोग करते, ये लोग करने नहीं देते, ये लोग हमारे यहाँ का मीडिया लोग को खबर दिखाने नहीं देते, छपवाने नहीं देते, मीडिया को धमकाते ये फोटो जाना चाहिए, हेडलाइंस ये होना चाहिए, ऐसे करके. तो दीज आर द एटीट्यूड विच आर बींग रिफ्लेक्टेड बाई दीज एक्टिविटीज. एंड आई नो एंड एवरीबडी नोज इन त्रिपुरा दैट दे विल टेक all such attempts to eliminate our leadership from the state of Tripura to create a panic in the minds of the armed janta. Any other Today's press conference is on the violence in Tripura. I will only answer questions on the violence in Tripura. Political discussions are not for public consumption. Sorry, sir, but... Namaskar, dosto. The situation in Tripura has gone from bad to worse. And what exactly has happened is, in spite of the Prime Minister giving speeches about women's security and how women are going to be taken care of in the coming days, we don't see any kind of steps taking towards that issue. When we talk about women in Tripura, they are threatened, they are subjected to molestation, they are subjected to rapes, they are subjected to being threatened. In fact, just a few days back, we came across an incident where a woman was being beaten up. She was with a five-month-old baby, only because she recorded a video of a Congress office being vandalized. They threw her out of her house, and they beat her up so badly that she had to be admitted to the hospital. So that kind of situation is existing in Tripura. And being a woman who works for the party in Tripura, it is my duty to serve the party. And I think we will leave no stone unturned to ensure that we form the government there. Even though our life is threatened every day, in fact, we joke most of the time that when I leave the state guest house, that I don't know whether I'm going to come back alive today or not. So that's the kind of situation that we face each day there. Thank you. Alag alag se offline le lenge. Ha. But So, right from the Congress President Sonia Ji, Rahul Ji, Priyanka Ji, and all, Venugopal Sahab and everybody else, Mr. Jairam Ramesh, everybody was not only inquiring, ensuring all support was provided. If you remember the attack on Sudeep and Birajit Sinha, they broke the PCC President's head, and Sudeep was admitted, you were aware of it. There was one more worker who was very badly injured. Mr. Adhir, Congress President, the same day instituted a committee for inquiry, which had Adhir Ranjan Chaudhary, Gaurav Gogoi, Nasir Hussain, and myself. Venugopal sir is going to visit Tripura to assess the situation again. So the support from the party has been fantastic for us, for everybody else. I think the top leadership in the party has stood by us. They have repeatedly been writing to the government. We met the Election Commission, just to give you a brief on it. We met the Election Commission requesting for security. The Election Commission immediately sought a report from the state. But the state doesn't seem to be responding at all. Thank you. Thank you. Thank you.